हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग JSW का Q3 के रिजल्ट देखने वाले हैं और साथ में JSW स्टील का हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखेंगे इस कंपनी का कहाँ पे है। सबसे पहले हम देख सकते हैं कंपनी का टोटल इनकम कितना हुआ इस क्वार्टर में, तो देख सकते हैं 42,000 को ऑलमोस्ट हुआ इस क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर में था 44,000, तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ क्वार्टरली बेसिस पे। ईयरली बेसिस पे देखते हैं तो 39 से बढ़कर ये हो गया 42, मतलब क्वार्टरली बेसिस पर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। ईयरली बेसिस पर थोड़ा सा अच्छा हम लोग को इनकम देखने को मिल रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं टोटल एक्सपेंसेस कंपनी का कितना है। जब हम लोग एक्सपेंसेस देख रहे हैं कंपनी के एक्सपेंसेस में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, 40,000 से 38,000 हो चुका है। और ये ईयरली बेसिस पर देख रहे हैं 38,000 से 38,000 से, मतलब ऑलमोस्ट ईयरली बेसिस पर हम लोग थोड़ा सा फ्लैट दिख रहा है कि एक्सपेंसेस कंपनी ने किया, और क्वार्टरली बेसिस पर थोड़ा सा एक्सपेंसेस में डाउनफॉल हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट हम लोग प्रॉफिट और लॉस देख लेते हैं कंपनी का क्या है। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हम लोग देख रहे हैं 2400 को ऑलमोस्ट है इस क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर में 27, तो यहाँ देख रहे हैं डाउनफॉल हुआ कंपनी का रिजल्ट पे। और क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे देख रहे तो 474 से बढ़कर ये हो चुका है 2450। तो मतलब यहाँ पर देख रहे ईयरली बेसिस कंपनी बहुत शानदार रिजल्ट लाई है, बट क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ है। तो हम लोग देखते हैं मार्केट को ये रिजल्ट कैसा लगता है, उसी के अनुसार ये स्टॉक रिएक्ट करेगी। चलिए हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में देख लेते हैं स्टॉक अभी कहाँ पर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कंपनी अभी अपने डाउन ट्रेंड पर है, ये अब से जाकर डाउन आ रही है। तो ये कंपनी अभी इस रेंज में फंसी हुई है 837 से 777 के बीच में। अगर ये कंपनी इसे ब्रेकआउट देती है तो ये थोड़ा सा रैली दिखा सकती है, अब ट्रेंड में आ सकती है। अगर ये अपने सपोर्ट 777 का नीचे जाती है तो कंपनी और भी नीचे जा सकती है। तो इसके नीचे अगर जाती है तो 726 हम लोग को नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर उससे नीचे जाती है तो 691 का सपोर्ट हम लोग देखने को मिल रहा है। अगर ये कंपनी उससे भी नीचे जाती है तो 614 यहाँ तक हम लोग देखने को मिल रहा है। तो आप लोग अपना डिसीजन ले सकते हैं, आप लोग इस ये स्टॉक में बने रहना है या फ्रेश बाई करना है। तो मैं फिर मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ। बाय, थैंक यू।